टनल में ऑगर मशीन फंसने के बाद आज 16वां दिन है। 16वां दिन 41 लोगों को बचाने की जंग लगातार जारी है। आज ऑगर मशीन का एक हिस्सा निकाल लिया गया है, लेकिन अभी हेड टनल के अंदर ही फंसा हुआ है। आने वाले समय में जो मजदूर हैं वो लगातार उसकी मैनुअल कटिंग करके हेड को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्लान नंबर 2 यानी वर्टिकल प्लान में 22 मीटर से ज़्यादा ऊपर ड्रिल किया जा चुका है, जो 1200 mm का पाइप है। वहीं 200 mm के पाइप का तकरीबन 72 मीटर का ड्रिल किया जा चुका है, जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि पहाड़ में पानी के स्रोत हो सकते हैं, जिसके चलते 200 मीटर का ड्रिल करके देखा गया, जहां पर 72 मीटर पर उन्हें एक पानी का सोर्स भी मिला है, जिसे पानी निकाला भी जा रहा है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि वर्टिकल ड्रिल या फिर टनल में मैनुअल ड्रिल कौन बचाएगा सबसे पहले, कौन पहुंच पाएगा उन 41 जिंदगियों की जान बचाने के लिए सबसे पहले, और कौन सा प्लान सक्सेस होने जा रहा है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, उत्तरकाशी। देखिए, काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। नहीं देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं।